अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मुझे रूम की सफाई करनी थी तो मैंने सुबह में ब्रेकफास्ट और लंच फटाफट से बना लिया और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने कमरे की सफाई करने। तो सफाई करने से पहले मैं अपने फेस में ये सनस्क्रीन लगा लेती हूँ क्योंकि मेरा स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो धूल से बचने के लिए मैं ये लगा करके तो सफाई करूँगी। इससे ये होता है ना कि एक्ने और इचिंग वगैरह नहीं होता है। तो आज मुझे खुद ही पूरी सफाई करनी है क्योंकि मेरी हेल्पर नहीं आई है आज, तो मैं पूरी सफाई अकेले करूँगी। लेकिन दो दिन से वो बीमार हैं तो इसलिए नहीं आ रही हैं, और साथ में रहती हैं तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। तो और ये मैं अपने हाथों में सॉक्स लगा रही हूँ क्योंकि इसका जो रबर है वो थोड़ा लूज़ हो गया है, तो ये अब किसी काम का नहीं है तो मैं अब दूसरे काम में ला रही हूँ। तो इस तरह से लगा करके कोई चीज़ भी साफ़ कर ले तो अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और हाथ भी बचा रहता है। वैसे ग्लव्स पहन लें लेकिन इससे भी काम चल सकता है। वैसे ग्लव्स लगाएंगे तो साफ़ करने के लिए दूसरा कपड़ा ढूंढना पड़ेगा, ऐसे सॉक्स लगा लेंगे तो एक चीज़ से दो काम हो जाएगा। वैसे अपने से काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है, दूसरों से करवा लीजिए लेकिन सारा सामान तो खुद ही एडजस्ट करना पड़ता है ना, इधर उधर कहाँ कैसे रखना है, तो पूरी तरह से खुद कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और यहाँ पर मैं वो फ्लावर है, फ्लावर पॉट की जो फ्लावर है वो मैं धो रही हूँ। तो क्या करना है, 10 मिनट सर्फ पानी में डुबो कर रख दीजिए, तो 10 मिनट के बाद बस इस तरह से हिला डुला दीजिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ेगा, साफ़ नहीं करना पड़ेगा बैठकर, तो बस फटाफट से साफ़ हो जाता है। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि इतना सब कुछ खुद से अकेले कैसे कर लेती हूँ, इतना मैनेज अकेले कैसे कर लेती हैं। तो मेरी आदत है, मैं घर को हमेशा साफ़ रखना चाहती हूँ और ढंग से रखना चाहती हूँ, हर चीज़ अपनी जगह पर हो, ये मेरी आदत है। अगर बेड का एक कोना भी सिमट गया हो तो चलते चलते अगर नज़र आ जाता है ना तो मैं उसे चलते हुए उसे ठीक कर देती हूँ। तो हर चीज़ जगह पर हो ये मैं चाहती हूँ, ढंग से हो घर। और बच्चों को भी यही बताती हूँ कि किसी चीज़ को भी उठाओ तो जहाँ है वहीं से उठाओ, जहाँ से वहीं पे रख दो। तो इस तरह से बच्चों को भी अगर बताते रहें, सिखाते रहें तो घर इधर उधर ज़्यादा फैलता नहीं है, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं ना, खेलने में लग जाते हैं तो फिर सुनते कहाँ हैं। तो रूम की पूरी सफाई हो गई है, तो ये देखें पूरा फाइनल लुक है। और यहाँ पर शाम हो गया है, 3-4 घंटे लग गए थे, तो लंच करने के बाद मैं सो गई थी और उसके बाद मैं उठी हूँ, शाम है अभी। तो अभी कबीर का यहाँ मस्ती हो रहा है और मैं अभी जाऊँगी शाम के स्नैक्स के लिए हलवा बनाने, तो सूजी का हलवा बनाने जा रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में और सूजी का हलवा बनाऊँगी। तो शाम में स्नैक्स में आज का जो दिन है उसमें जो मील प्लान मैंने बनाया था चार्ट, उसमें आज स्नैक्स में है सूजी का हलवा, तो इसलिए मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो कढ़ाई में मैंने डाला है आधा कप घी और इसी कप से नाप करके आधा कप जो है सूजी डाल देना है और इसे हल्की आंच पे भून लेना है। थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो समझिए सूजी तैयार है भुनकर। तो इधर सूजी भुन रहा है जब तक मैं इधर चाशनी तैयार कर लूँगी। तो इधर मैंने चढ़ाया है चाशनी के लिए, तो जितना सूजी है उतना इसमें उसका 3 गुना पानी डालना है। जैसे कि आधा कप सूजी है तो 1.5 कप पानी मैंने डाला उसमें और आधा कप चीनी डालेंगे और उसके बाद 2 इलायची उसे थोड़ा सा कट करके डाल देंगे उसमें। आप इलायची पाउडर भी इसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बस ज़्यादा देर तक के ये तार की चाशनी नहीं बनाना है, बस एक उबाल आ जाएगा और चीनी घुल जाएगा तो समझिए चाशनी तैयार है। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लिया है, तो इसे
फ्राई करने के बाद मैं अब इसे तोड़ लूँगी, हाफ हाफ कर लूँगी टुकड़े में। और ये देखें इधर चाशनी तैयार हो गया है। तो बस इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा तार की चाशनी नहीं बनानी है। और इधर देखें ये सूजी जो है भुनकर तैयार है, और इसमें मैं थोड़ा सा केसर ऐड करूँगी। तो केसर को मैंने पहले से ही भिगो कर रखा था, और सूजी में ये चाशनी गरम गरम ही डाल देना है, और थोड़ा सा अपने आप को बचा कर डालना है क्योंकि इसका छींटा पड़ सकता है। और इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूँगी, बस इसे धीमी आंच पे पकाना है और चलाते रहना है। तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट एकदम से बन जाएगा हलवा। वैसे मैं चाशनी बनाने के लिए दूध यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं आज पानी में चाशनी मैंने बनाया। तो इसमें बस ये ध्यान देना है कि सूजी, चीनी, घी, पानी सब कितना कितना डालना है, उसके बाद तो बिल्कुल परफेक्ट हलवा बनकर तैयार होगा। तो बस सूजी का हलवा बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इससे। तो कोई भी फेस्टिवल हो या मीठा खाने का मन कर गया हो, तो वैसे में सूजी का हलवा फटाफट से बनाएं, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं होता है। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में जो कुछ भी अगर कहीं पे भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलूँगी मैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।